Hi to all the nursing aspirants there. I am Navkiran and I welcome you all to my channel, Navkiran's Nursing Classes. बहुत देर से बहुत सारी नर्सेज की ये डिमांड थी कि मैं इस चीज़ के ऊपर कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ कि अगर कोई नर्स इज ऑन अ गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, इज इट अ वाइज डिसीजन टू लीव दैट गवर्नमेंट जॉब एंड कम टू कैनेडा. देखिए, बहुत सारे ऐसे कपल्स भी होते हैं जो दोनों नर्सेज होते हैं और दोनों के दोनों गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, तो तब फिर उनके लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि क्या वो अपना सब कुछ ख़त्म करके इंडिया से और कनाडा में आके ज़ीरो से शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो इस पे आज हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे. और मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे जब हमने ये डिसीजन लिया कि हमें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए. तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए डेडिकेटेड है. तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि जब भी हम इंडिया से इंडिया में अगर सबसे ऊपर वाली चीज़ हम कोई समझे, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा नर्सिंग करता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाए. और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इससे बढ़िया तो और क्या ही हो सकता है, क्योंकि सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारे पर्क्स होते हैं और पूरी उम्र की सिक्योरिटी एक तरह से आप लगा लो कि होती है, दैट यू विल गेट सैलरी एवरी मंथ. हम भी कुछ ऐसे ही थे. मैंने पहले अपनी ग्रेजुएशन करी नर्सिंग में, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, देन आई हैड गॉट द गवर्नमेंट जॉब. और गवर्नमेंट जॉब में मुझे PGI चंडीगढ़ में जॉब मिला. आई वॉज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो सर्विंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, मतलब बढ़िया था सब कुछ, अच्छी सैलरी आ रही थी, एवरीथिंग वॉज गुड. पर मेरी थोड़ी सी नेचर ऐसी थी कि मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन जैसा फील नहीं हो रहा था, बिकॉज आई हैड कंप्लीटेड माय एमएससी फ्रॉम सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, PGI MER चंडीगढ़. और क्लिनिकल्स में कुछ ऐसा था कि प्लीज़ डोंट माइंड, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस मेरे से कुछ अलग हो सकता है. बट ये था कि क्लिनिकल्स में मुझे ये फील होता था कि एमएससी के हिसाब से मैं नहीं परफॉर्म कर रही हूँ, एमएससी के हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए दैट इज़ नॉट देयर. तो कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि कुछ मैं एडुकेशन में फ्लरिश करूँ, राइट. तो मैंने एक दो बार कोशिश भी करी कि मैं क्लिनिकल से, मतलब पहले मैं लेक्चरर थी फिर मैं क्लिनिकल्स में आई थी, और फिर मुझे ऐसे था कि किसी इंस्टीट्यूशन में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करी जाए. बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया था बट दैट आई एम नॉट जॉब मटेरियल. मैंने बहुत साल जॉब किया इंडिया में, कम साल नहीं किया, मैंने कम से कम 10 से 12 साल जॉब ही किया है इंडिया में. तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होना शुरू हो गया था कि जॉब में मैं जो मेरा पोटेंशियल है मैं उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती. और कुछ फैमिली रीजंस भी थे, ऊपर से मेरी जो मम्मी पापा की फैमिली थी वो कनाडा में थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है विद फैमिली हम आएंगे कनाडा में. तो हमारी अपनी कंडीशंस थी. तो मुझे ये पता था कि चाहे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के इंडिया से एक ऐसी कंट्री में जाना पड़े जहाँ पे मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट होना है, तो भी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी रिस्क टेकिंग जिसको बोलते हैं ना, कि हिम्मत थी मेरे में रिस्क लेने की, कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी. एंड सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर आके करी. मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि इस कंट्री में जब आप आते हो, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आते हो, पहले एक दो साल आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि आपकी जो लाइफ होती है आपकी अपनी कंट्री में वेल सेटल्ड होती है और आप कंफर्ट जोन में होते हो. ऑफकोर्स आप एक ऐसी कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ दो सूट केस लेके आ रहे हो एंड यू आर हैविंग नथिंग एल्स विद यू. हम भी ऐसे ही एंटर हुए थे, हम सिर्फ दो सूट केस लेके आए थे. बट ऐसा है कि उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं ये नहीं सोचती कि मुझे अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आज मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होती, बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन ना तो आप आज मेरी वीडियो देख रहे होते, ना ही बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता होता. मैंने पता नहीं कितनी रजिस्टर्ड नर्सेज अभी तक कनाडा में बना दी हुई हैं, ना मैं उनकी हेल्प कर पाती और ना ही जो मेरा पैशन है टीचिंग, शायद मैं उसको भी धीरे धीरे छोड़ देती. तो अगर तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो और आपकी रिस्क टेकिंग नेचर है और आपको ऐसे लगता है कि आप में इतना टैलेंट है कि आप इस कंट्री में ज़ीरो से भी स्टार्ट होना पड़े तो आप कर ही लोगे, तो गवर्नमेंट जॉब जो है उसका आपको छोड़ना पड़ेगा और इस कंट्री में आप आइए. इस कंट्री में नर्सेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा.
एंड यहाँ पे आपको आते ही जॉब भी मिल जाती है, यहाँ पे आते ही आपको आरएन भी मिल जाता है, बिलीव मी. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस में बैठे हुए हैं, एवरीबडी इज़ वेल सेटल्ड. आपको एनक्लेक्स आरएन क्रैक करना होता है और आपकी लाइफ बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाती है. बल्कि ना सिर्फ कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए जैसी कंट्रीज भी खुले में स्वागत करती है नर्सेज का. सबको ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स की. लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो और आप अपनी कंट्री और अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है. फिर आपके लिए वो गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत बढ़िया है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि गवर्नमेंट जॉब बुरी है, नहीं भाई, बहुत अच्छी है. बड़ी मुश्किल से मिलती है, हम लोगों को पूछो, हमने बहुत मुश्किल से ली थी. बस मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं उस लेवल पे ही होती आज, तो शायद मैं ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे रिनोन नहीं होती, शायद मेरा अपना इंस्टीट्यूशन कभी नहीं होता, और शायद मैं वही एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई बन के वहीं पे मेरा जीवन ख़त्म हो जाता. लेकिन अब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये रिस्क लिया. तो आप भी ये चीज़ जो है अब आपने डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने अपनी एक तरह से लाइफ स्टोरी जो है वो आपके सामने रख दी. स्ट्रगल बहुत होती है. 2 साल जो पहले होते हैं ना इस कंट्री में, उसमें आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि एक बार तो आपका रोना निकल जाता है. आपको वो गवर्नमेंट जॉब बहुत याद आती है, पर यही आपकी पेशेंस का टेस्ट होता है. अगर आप परसेवरेंस से, अगर आप एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी हार सकते हो. यू गेट वॉट यू वॉन्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काइंडली कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड बी मोटिवेटेड नर्सेज. यू आर द बेस्ट. थैंक यू सो मच. टेक केयर.